प्रॉब्लम है बैठने में, बट एडजस्ट कर लेंगे इसको पीछे। और फ्यूल वाला दिक्कत है, अभी बैग खिसकाना आना पड़ेगा अगर जब फ्यूल डलाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कितनी मेहनत से सब एकदम टाइट। आपको किसी से मिलवाना है? हेलो, कम कम। देखिए अपना फ्रेंड मिल गया पुराना वाला। मुरादाबाद के आगे तो इसकी बिल्डिंग करवा रहे हैं, आप चेक कर सकते हो। गाइस आपका स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड में। तो फिलहाल हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं। सो हेलो जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। फिर आपका स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। सो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 10। सो फाइनली हमारी लेह लद्दाख की ट्रिप स्टार्ट होती है यहाँ से। तो अभी हम लोग घर पे हैं, सारा लगेज वगैरह एकदम अच्छे से पैक वैक कर दिया है, बस स्कूटी में लगाना है। फिलहाल अभी अमन भी आ गया है, तो चलिए बाहर चलते हैं, स्कूटी में लगेज लगाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। पहले फ्यूल अप कराते हैं, फ्यूल अप करा के फिर निकलते हैं। चलिए मिलते हैं फिर। सो गाइस बड़ी मेहनत के बाद हमारा सारा लगेज लग गया। थोड़ा सा प्रॉब्लम है बैठने में, बट एडजस्ट कर लेंगे इसको पीछे। और फ्यूल वाला दिक्कत है, अभी बैग खिसकाना पड़ेगा अगर जब फ्यूल डलाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कितनी मेहनत से सब एकदम टाइटली बांधा है। तो ज़्यादा लग रहा है लगेज स्कूटी के हिसाब से, तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। खैर इसमें तो काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, मतलब गमबूट हो गया, चेयर हो गया, स्लीपिंग बैग हो गया, बाकी कपड़े वपड़े हैं सब, ये सब चीज़ें आ गई। बाकी अमन भी आ गया, अमन से मिलवाते हैं। अमन क्या सीन, क्या बताइए, क्या निकले हैं? सो अमन का कितने, अमन तुम्हारे कितने लगेज हैं? बस एक ही ये बैग है, दो बैग है, एक पीछे टांग लेगा, बाकी इसका भी बांधने वाला था। बट ये सीन हो गया था कि फ्यूल बार बार डलाना पड़ेगा, मतलब तो हटाना पड़ेगा, तो आगे ही रखवा दिया है। तो निकला जाए नील गगन को। सो गाइस बस अब यहाँ से निकल रहे हैं। अभी नीलेश भाई का फ़ोन आया था, वो बहुत मिलने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। तो नीलेश भाई आ रहे हैं अभी आईटी पे, तो आके उनसे मिल के फिर यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस हमारी दोनों स्कूटियों में फ्यूल पड़ चुका है, बाकी अब यहाँ से निकल रहे हैं सीतापुर हाईवे, क्योंकि हम दोनों सीतापुर हाईवे होते हुए जाएंगे, जो कि सीतापुर होते हुए बरेली होते हुए निकलेंगे। बाकी अभी हम लोग का एक प्लान हुआ था कि यहाँ से हरिद्वार होते हुए जाएं या चंडीगढ़ होते हुए जाएं। फ़िलहाल तो अभी कंफ्यूजन है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इस ट्रिप के लिए। सो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं हाईवे पे, और बाकी हम लोग स्पीड मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, 50, 40, 60 इतने पे ही चल रहे हैं। बाकी अब यहाँ से सीतापुर रह गया आपका 70 किलोमीटर, हम लोग 30 किलोमीटर आगे कवर कर चुके हैं। और इसकी लाइट का फोकस बहुत ही प्यारा जो मैंने लगवाया था, आप देख सकते हो। फ़िलहाल तो लाइक अभी तो कुछ स्टॉपेज का तो कोई सीन नहीं है, हाँ लेकिन कुछ खा के निकले नहीं थे घर से, तो हो सकता है आगे रुके कुछ खाने पीने के लिए, या अब यहाँ से बरेली ही रुके हैं। बरेली में ही एक जगह है जहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है, तो वहाँ पर रुके। फ़िलहाल तो अभी 100-100 किलोमीटर पे अपनी गाड़ी रोकेंगे, और मतलब 10-15 मिनट के लिए, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू गाड़ी चलाएंगे। और सो गाइज़ अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सीतापुर, जो कि हम लोग ने 100 किलोमीटर कवर कर लिया है। फ़िलहाल अभी आगे क्या बोलते हैं गाड़ी रोकेंगे 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि कंटिन्यू स्कूटी चलाते रहेंगे तो इसके इंजन में इफ़ेक्ट पड़ेगा। बट अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं शाहजहाँपुर के लिए, जो कि यहाँ से शाहजहाँपुर है 80 या 90 किलोमीटर के आसपास। तो चलिए चलते हैं, बाकी रात की जर्नी तो सही है, अगर दिन में चला रहे होते तो एकदम भुन जाते, इसलिए मैं रात में प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्म पड़ रही है कुछ कहने को नहीं। और अभी तो बहुत मज़ा आ रही है कंटिन्यू करते हुए राइड। तो चलिए फिर अब यहाँ से एक स्टॉपेज लेते हैं, फिर शाहजहाँपुर निकलते हैं। सो गाइस फ़िलहाल तो अभी हम शाहजहाँपुर पहुँचने वाले हैं, और आपका टाइम हो रहा है 3:30। तो अपनी दोनों स्कूटियों में फ्यूल अप कराया है, अभी फ्यूल ख़त्म हो गया था उसमें, तो ख़त्म हो गया था इसमें थोड़ा सा था, तो मैंने कहा इसमें भी डलवा लेते हैं। बाकी अमन को लग रही थी नींद, तो अभी पानी बोतल में पानी वानी भरा, बढ़िया एकदम चिल ठंडा। और अब यहाँ से निकल रहे हैं, देखते हैं कुछ चाय वाय पीते हैं, अभी स्टॉपेज लिया नहीं था,
तो अभी चाय वाय का स्टॉपेज लेते हैं, खाते पीते हल्का फुल्का, फिर उधर से निकलते हैं। फिलहाल तो अब यहाँ से निकल रहे हैं अपनी दोनों गाड़ियाँ लेके। तो अमन अब चला रहा है अपनी एंटॉर्क और मैं चला रहा हूँ एविएटर। तो चलिए चलते हैं गाइस। अभी हम चाय पीने के लिए रुके हुए वही सेम लोकेशन में जब दिल्ली जा रहे थे, तो जहाँ से जहाँपुर के पास रुके हुए थे। तो अपने भाई की शॉप पे भाई भी पहचान गया था, भाई को बताया था लेह लद्दाख जा रहे हैं, तो आपको किसी से मिलवाना है। हेलो कम कम, ठीक है अपना फ्रेंड मिल गया पुराना वाला। कैसे हो, गिव मी योर हैंड, कैसे हो? हाँ। सो गाइस अपनी चाय बस बन रही है, चाय पीते हैं फिर थोड़ा सा मतलब 15-20 मिनट हाथ पैर सीधे करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे सीधा बरेली, बरेली से मुरादाबाद, मुरादाबाद से दिल्ली। हो सकता है बरेली में कुछ खाने पीने के लिए रुके, मतलब हल्का फुल्का, तो उनके यहाँ मैगी वैगी तो नहीं है, तो मैगी शैगी वहीं खाएंगे। फिलहाल ये मुझे पहचान गया था, ओए 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 ये। सो गाइस ये अपनी आ गई गर्मा गर्म चाय। सो अब चाय पीते फिर यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस देखते ही देखते सुबह होने लगी है, तो अभी हम लोग शाहजहाँपुर के आगे आ गए थे। तो हम लोग रुके थे थोड़ा सा क्योंकि नींद भी लगने लगी थी, फिर मुंह धो के फिर निकले, और स्कूटी भी ठंडी करनी थी। एंटॉर्क के लिए तो इतनी दिक्कत नहीं है, 125 सीसी की है, बट इसके एविएटर के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि इसको रोकना पड़ता है 100-100 किलोमीटर में, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म हो जाती है। फ़िलहाल तो गाइस कन्फ्यूज़न हो रही है कि हम लोग क्या बोलते हैं, चंडीगढ़ होते हुए जाएँ या इधर शिमला होते हुए, सॉरी हरिद्वार होते हुए जाएँ, क्योंकि चंडीगढ़ होते हुए जाएंगे तो वो हम लोग के लिए 100 किलोमीटर ज़्यादा पड़ रहा है, और इधर ये जो है हरिद्वार होते हुए जाएंगे, हरिद्वार से देहरादून से 200 किलोमीटर है। तो अभी फिर हम लोग यही प्लान कर रहे हैं कि हरिद्वार होते हुए जाएं, क्योंकि हम लोग को 100 किलोमीटर कम पड़ेगा। इधर से लखनऊ से आपका चंडीगढ़ है 800 किलोमीटर के आसपास, और मतलब ये जो है यहाँ से हरिद्वार अपने लखनऊ से है 550 के आसपास, और हरिद्वार से देहरादून है 50-60 किलोमीटर पे। तो गाइस मैंने जो अपनी स्कूटी में क्रैश गार्ड लगवाया था वो थोड़ा साइड से निकल गया था, तो अभी यहाँ पे रुके हुए थे मुरादाबाद के आगे, तो इसकी बेल्डिंग करवा रहे हैं। आप चेक कर सकते हो। सो गाइस अपनी प्रॉब्लम हो चुकी है सॉल्व, जो कि क्रैश कार्ड नीचे से क्रैश हो गया था, टूट गया था, तो बिल्डिंग वेल्डिंग हो गई है। ये कह लीजिए कि किस्मत अच्छी थी, शॉप मिल गई थी बिल्डिंग की, तो भैया ने अच्छे से उसको जोड़ ओड़ दिया है। बाकी अगर आगे चल के ये प्रॉब्लम हो जाती जहाँ ले के पास वास, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि इसमें फ्यूल पड़ता तो ज़्यादा ही लोड ले लेता, तो हो सकता है ये टूट ही जाता। तो अपना ये फिक्स हो चुका है, और ये लखनऊ से ही प्रॉब्लम थी कि हिल विल रहा था, तो मैंने जीतू भाई को बोला था और टाइट कर दो,
तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा टाइट करवाओगे तो वो टूट जाएगा, फाइबर का मामला है, तो जैसे वैसे रहने दो। तो यही चीज़ नीचे जो थी ये मतलब हिल रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मैंने मतलब अमन से जब स्कूटी मैंने ली तो मैंने देखा, क्योंकि इसने ध्यान दिया नहीं था इस चीज़ को, तो जैसे ही ध्यान दिया फिर शॉप वॉप ढूँढी, अपना काम करवा लिया अपना, यही एक प्रॉब्लम हो गई थी। बाकी अब ये हम लोग यहाँ से नजीमाबाद पहुँचने वाले हैं, तो नजीमाबाद के बाद फिर आपका हरिद्वार पड़ेगा। सो गाइज, हम आ गए थे अपनी स्कूटी में फ्यूल डलाने, जो कि अपनी गाड़ी पे तीसरी बार फ्यूल पड़ रहा है, और बाकी तो क्या बोलते हैं उसमें एविटा में भी फ्यूल पड़ना है। तो चलिए फ्यूल डलवाते हैं, फिर इसका जो लगेज है इसको साइड करना पड़ता है, तब क्या बोलते हैं फ्यूल पीछे पड़ता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ के लिए। खैर कोई नहीं, एडजस्ट कर रहे हैं। तो अभी एविएटर में फ्यूल पड़ रहा है, फिर अपनी एंटॉर्क में पड़ेगा। तो गाइस अभी हम रास्ते में रुक गए थे, तो सोचा कि कुछ एनर्जी एनर्जी के लिए ड्रिंक ड्रिंक ले लें, तो गन्ने का जूस पी रहे थे। तो ये मेरा दूसरा ग्लास है। क्या हालत ख़राब हो गई? धूप की वजह से वाकई में यार गर्म बहुत ही ज़्यादा होने लगी है। बस किसी तरह अब बहुत हरिद्वार जाके रूम लेके फिर है ना सो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं। चलिए पीते गन्ने का जूस, फिर इसके बाद निकलते हैं। और यहाँ से हरिद्वार, भाई क्यों हरिद्वार कितना होगा इधर से? हरिद्वार कितना होगा? हरिद्वार 80 है, 80 किलोमीटर बाकी है यहाँ से हरिद्वार। तो गाइस फिर अब जूस वूस पी के निकलते हैं, फिर मिलते हैं। सो गाइस हम लोग उत्तराखंड पहुँच चुके हैं, और यहाँ से बस ये जो रूट है चंडी माता वाला रूट है, तो इस वजह से इतना जाम लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ मंदिर के बाहर बहुत रोड पे गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं इस वजह से। तो आप देख सकते हो ये जो सामने का जो पहाड़ है, यहाँ पे चंडी माता का मंदिर है, जो कि यहाँ से अंदर पैदल भी जा सकते हो, पर बाकी वो जो ट्रॉली चढ़ती है उड़न कटोला कहते हैं उसे, तो उससे भी लोग जाते हैं। बाकी जाम तो बहुत गंदा लगा हुआ है। फ़िलहाल अभी हम लोग यहाँ से हरिद्वार स्टे करेंगे या कैसे क्या है, तो अभी वो कुछ कंफर्म तो नहीं है। तो सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं चंडी माता के मंदिर के पास, ये सामने आप देख सकते हो यहाँ से एंट्री है। बाकी जाम तो बहुत ही गंदा लगा हुआ है, कुछ कहने को नहीं। तो फ़िलहाल अब यहाँ से निकल रहे हैं, और बाकी अभी पीछे अमन बता रहा था कि बैग निकल गया था तो उसने बांधा बूंदा, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस आपका स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड में। तो फ़िलहाल हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं, और अभी यहां से देखेंगे होटल वोटल। तो काफ़ी मतलब यहां पे जो रोड वोड बन रही है, ये बगल में पुल वुल बन रहा है, और मैं यहां पे ना बचपन से आ रहा हूं, मतलब यहां पे चप्पा चप्पा जानता हूं, क्योंकि मैं 2 साल का था तब से आ रहा हूं अपने ग्रैंडफादर मदर के साथ। तो काफ़ी पीसफुल मुझे जगह लगती है हरिद्वार, और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। तो यही प्लान हो रहा है कि यहाँ पे रुकेंगे, गंगा नहाएंगे, अपने पाप आप धोएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे, या जो भी आपको फिर आपको अपडेट देते हैं। सो गाइस आप भी गंगा जी के दर्शन कर लो, वो जो सामने ठीक पहाड़ दिख रहा है उसमें मनसा देवी जी का मंदिर है माता का, तो वहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, उड़न खटोला से जाते हैं या पैदल रास्ता जैसा आपका मन है। फ़िलहाल तो अभी हम लोग यहाँ से देखते हैं होटल वोटल, काफ़ी थक गए हैं, होटल वोटल लेके फ्रेश व्रेश होएंगे, फिर उसके बाद का क्या सीन है तो देखते हैं। बाकी एक अपना भाई रहता है हरिद्वार में, मामा का लड़का, तो उससे बात बात हुई थी, तो हो सकता है उससे भी मिलने मिलने का प्लान हो। तो चलिए फिर यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस हमारे सामने देखिए शिव जी की कितनी बड़ी मूर्ति है, आप देख सकते हो, बाकी ये गंगा जी है। तो अभी हम लोग इसी के आगे होटल देखने जा रहे हैं, तो होटल वोटल लेते हैं फ़िलहाल, उसके बाद कुछ खाने पीने के लिए भी देखते हैं कैसे क्या है, जो भी होता फिर आपको अपडेट देते हैं। सो गाइस हम आ चुके थे अपने होटल, बाकी अभी मैंने GoPro का जो भी रिकॉर्ड किया था देखा, तो उसमें वॉइस नहीं आ रही थी, तो थोड़ा वायरिंग का इशू हो गया था, तो मिस्टेक से, तो इस वजह से खुद से अभी सब एडिट करा, अपनी वॉइस डाली। बाकी बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, तो अभी खाना वाना खाएंगे, खाना वाना खा के फिर सोएंगे। कल का क्या प्लान है, तो कल का जो प्लान होगा वो आपको बताएंगे। फ़िलहाल तो क्या बोलते हैं यहाँ से परसों निकलेंगे, मतलब कल भी रुकेंगे, आज कल परसों रुकेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। तो अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।